हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज अपना जो टॉपिक चल रहा था उसे ही अपन कंटिन्यू करने वाले हैं, वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में अपन ने उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखी थी। आज देखेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि उसे किस तरीके से बनाया जा सकता है। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड को किस किस तरीके से अपन बना सकते हैं इजीली, वो देखने वाले हैं। तो अपने पास आएगी विरचन की विधियाँ। अपन देखने वाले हैं कि इसे किस तरीके से इसका निर्माण किया जा सकता है, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड को किस तरीके से। देखो, सबसे पहला मेथड तो ये है कि अगर एल्किन्स का ऑक्सीडेशन करवा दें अपन, है ना, एल्किन का ऑक्सीडेशन करवा दें प्रोक्साइड या ओजोनाइड की प्रेजेंस में, तब आपके इजीली किस में कन्वर्ट हो सकता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे फर्स्ट है आपके ऑक्सीडेशन मेथड, है ना। एल्किन्स का ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, एल्किन का इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं अपन किसकी प्रेजेंस में। यहां अगर जो कैटलिस्ट या रिएजेंट जो यूज होगा वो होगा आपके रिएजेंट होगा वो आपका होगा प्रोक्साइड या ओजोन O3। ओके, इनकी प्रेजेंस में अगर इनका ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ओके, जैसे एग्जांपल अगर आपके पास CH3 इस तरीके से है, रिएजेंट ले रहे हैं अपन या तो प्रोक्साइड और ओजोन की प्रेजेंस में अगर करवा देते हैं इनका ऑक्सीकरण, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा आपके CH3COOH के अंदर प्लस CH3COOH और प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिलीज हो जाएगा। ये तो था आपका डायरेक्ट मेथड, और साथ में प्रेशर के साथ ही होगा, ये इजीली नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है, यानी कि हीट वगैरह सब कुछ चाहिए होता है, यानी कि इसकी कंडीशंस अलग अलग होती है। जो नॉर्मल मेथड है जो लैब में किया जा सकता है वो होते हैं आपके, अगर एल्किल साइनाइड का अपन क्या करवाएं, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवा दें, है ना, तब अपने पास क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ओके, ये तो अपना पुराना तो क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से इंडस्ट्रियल मेथड है जिसकी वजह से अपन कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर सकते हैं। सेकंड मेथड है आपके, अगर एल्किल साइनाइड को वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवा दें, सेकंड मेथड है आपका एल्किल कंप्लीट आपके जो भी ऑक्सीडेशन यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की जो भी विधियाँ होगी वो आपकी नॉर्मल रिएक्शंस कैसी होगी, या तो रिडक्शन होती है या ऑक्सीडेशन होती है, तो वो रिएक्शंस हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगी क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन ही ऐड हो रही होती है। ओके, तो उसे ही अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ओके, तो अपने पास अगर है कोई एल्किल साइनाइड RC(N), ये होगा एल्किल साइनाइड यानी कि RCN है, उस RCN की रिएक्शंस वाटर की प्रेजेंस में करवा देंगे, वाटर की प्रेजेंस में करवाएंगे, तो अब अपने पास क्या होगा कि बनेगा क्या ग्रुप आपके RCOOH बनेगा, है ना। अब ये बना कैसे, ओके, इसका निर्माण क्या होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है वो देखते हैं। मैकेनिज्म ये है कि अपने पास जब भी कोई ग्रुप होते हैं, जब भी कोई, ये तो रिएक्टेंट होगा या रिएजेंट होगा, दो प्रकार यानी कि अभिकारक और अभिकर्मक होते हैं। रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट किससे कहते हैं, जिस पर आकर कोई अटैक करने वाला है, और रिएजेंट यानी कि जो अटैक करेगा वो होगा। और रिएक्टेंट और रिएजेंट को पहचानते कैसे हैं, रिएक्टेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, रिएजेंट की मात्रा कम होती है। ये होता है जब अपन बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं कार्बनिक केमिस्ट्री का, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वो रिएक्शन से ही होती है कि किस तरीके से होने वाली है। जब जब किसी भी रिएक्शंस में मैकेनिज्म में देखते हैं तो उसमें क्या करवाना पड़ता है, पहले तो उसे आयंस में ब्रेक करवाना पड़ता है, अगर आयंस में ब्रेक करवा लेते हो इजीली तब उसकी मैकेनिज्म बहुत ईजी हो जाती है। अब आयन में ब्रेक किस तरीके से होगा, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप होगा उसी की तरफ मूव होगा आपका आयन। अगर यहाँ ये हो रहा है तो इसमें माइनस चार्ज लगेगा, तो जो बनेगा आपके पास वो क्या है, R(N-) यहाँ हो जाएगा प्लस। अब H2 है अपना पास, इसमें क्या है, लोन पेयर है, वो लोन पेयर आके यहाँ अटैक कर देंगे, यही होगा, अटैक करेंगे तो किस तरीके से बनेंगे आपके RCOH H, ये बनेगा और इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर N-
रह जाएगा। अब यहाँ से इसे न्यूट्रलाइज करवाना है, अपने को न्यूट्रलाइज करवाना है तो क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ क्या है अपने इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये ऑक्सीजन लेगा क्योंकि इसके पास पहले से चार्ज आ चुका है, इस चार्ज को न्यूट्रलाइज तो करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, एच प्लस रिमूव होगा, आर सी ओ एच ये बन गया, और यहाँ क्या हो गया आपके डबल बॉन्ड N, और यहाँ जो S था वो यहाँ आ गया NH, ये होगा, यही प्रोसेस होगा आपके। और अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा आपके, वापस से ये देखो रिएक्शन हो किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में हो रही है, जब ये रिएक्शन वाटर की प्रेजेंस में हो रही है तो वाटर एक्सेस में रहेगा, यानी कि वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, जब कोई रिएक्शन में अपन ये रिएक्शन करवा रहे हैं तो पानी तो होगा ही, तो ये तो हो नहीं सकता कि आपका एक ही मोलिक्यूल्स रिएक्टेंट रिएजेंट का काम करेगा, कोई कितने भी कर सकते हैं, जितनी उसे रिक्वायर्ड होगी उतना तो रिएक्शन होगी होगी, लेकिन आप कभी भी ये मत सोचना जब कोई रिएक्शंस करवाते हैं तो आपको प्रोडक्ट 100% मिलता है, कभी भी 100% प्रोडक्ट नहीं मिलता, कुछ तो वेस्टेज होता ही है, जैसे हीट को कंप्लीट वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, वैसे ही कंप्लीट रिएक्टेंट या रिएजेंट को मिलाकर 100% प्रोडक्ट नहीं बनाया जा सकता है, कुछ तो आपके या तो होगा कि रिएक्शंस मोस्टली होती क्या है, टक्कर होती है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे की टक्कर होती है, टक्कर होने के बाद में अगर उनमें बॉन्ड बन जाता है तो अपन उसे प्रोडक्ट बता देते हैं, यही होता है। तो यहाँ भी क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल्स तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, अपने को मैकेनिज्म को शो करना है। और हाँ एक बात हुई, मैकेनिज्म में कोई आपके साइंटिफिकली ये नहीं है कि प्रैक्टिकल से बताया गया कि ये हुआ है, ओके ऐसा ऐसा माना गया कि ऐसा हुआ होगा प्रोडक्ट में, अपने को जब तक अपन प्रोडक्ट में चले, प्रोडक्ट आ जाता है अपना पास तो अपन यही समझते हैं कि इसमें ऐसा ऐसा हुआ होगा तभी प्रोडक्ट बना हुआ है, ओके। तो अपने पास जो मॉलिक्यूल है वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है, तो अब क्या होगा इसी की तरफ जाएगा, क्योंकि जो आपके पास तो नया मॉलिक्यूल जुड़ा है उसके पास तो ऐसा होगा नहीं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, जाएंगे इसके पास, इसी के पास जाएंगे हाइड्रोजन, लिविंग ग्रुप क्या है आपका एन एच ही होगा क्योंकि उसे ही अपने को लिव करना है। तो यहाँ क्या होगा आपका, या अगर आप ये भी कर रहे हो, एक मिनट, अगर आप ये भी कर रहे हो कि आपको ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो फिर से प्लस चार्ज आ जाएगा, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए पहले से कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ क्या होगा आपके पास R C O H और ये N H माइनस चार्ज लग जाएगा और ये O H वापस से ऐड हो जाएगा। अब यहाँ प्लस चार्ज आ गया, इससे वापस से न्यूट्रलाइज करेगा और ये कहाँ जाएगा अपने पास, यहाँ जाएगा इसके पास, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, R OH और ये NH2 और ये OH ये बन गया अपने पास। अब अपने को क्या करना है, कार्बोक्सिलिक, अब आपको पता है एक कार्बन पर कभी भी दो OH समूह नहीं रह सकते, जब दो OH समूह नहीं रह सकते तो वहां से क्या होगा, एक को तो अपने को हटाना ही होगा, तो हटाएंगे किस तरीके से अपने पास, चलिए इसे हटा देते हैं एक बार। तो अब इसमें क्या होगा आपके पास R, अब यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ होगा, ये ट्रांसफर इस तरफ होगा, दोनों मिलाकर क्या बना लेंगे, अमोनिया बना लेंगे, और यहाँ से क्या बन जाएगा अपने पास R C डब्ल्यू एच बन जाएगा और प्लस NH3 बन जाएगा, ओके। ये था ओवरऑल प्रोसेस। अगर आपसे बात पूछी जाती है कि कोई एल्किल साइडेंट है उस वाटर की प्रेजेंस में उसकी रिएक्शंस करवानी है, तो मैकेनिज्म में वाटर के मॉलिक्यूल दो लगने वाले हैं, ओके, तो दो इक्विवेलेंट मॉलिक्यूल लगने वाले हैं आपके एक रिएक्शन यानी कि एक कार्बोक्सिलिक समूह बनाने के लिए, ओके। तो ये थी, और नेक्स्ट कोई रिएक्शन देखते हैं उससे अच्छे से समझ में आएगा। ये है मेरे पास एक C2H5 और ये साइनाइड जुड़ा हुआ है, ओके। इससे मुझे, मैंने वाटर की प्रेजेंस में जब रिएक्शंस करवाई, क्योंकि कभी भी श्योर नहीं किया जाता है कि वाटर एक्सेस में लिया गया है या कम लिया गया है, क्योंकि अगर रिएक्शन तो जितना रिक्वायर्ड होगा उतना वाटर तो उसमें प्रेजेंट है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा अपना का वो क्या बनेगा, C2H5 CWH बनेगा। अब इसमें अपन देखते हैं इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, तो ये C2H5 तो ये ऐसा ले जाएगा और ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा आपके पास नाइट्रोजन की तरफ जाएगा माइनस साइन, तो क्या बन जाएगा अपने पास
C2H5 प्लस और ये माइनस साइन। अब अपने को पता है इसमें वाटर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है तो इसके अंदर क्या है, लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के लोन पेयर कहाँ टेक करेंगे, कार्बन पर करेंगे, तो क्या बनेगा आपका C2H5OH H, यहाँ वापस से पॉजिटिव चार्ज और यहाँ N माइनस चार्ज। ओके यही था। अब यहाँ क्या होगा कि ये न्यूट्रलाइज होगा, ऑक्सीजन अपना हाइड्रोजन से लेंगे इलेक्ट्रॉन, तो H प्लस के रूप में निकलेगा, ये H प्लस कहाँ अटैक करेगा आपके नाइट्रोजन पर अटैक कर देगा, तो क्या बनेगा आपके पास C2H5COH और ये डबल बॉन्ड NH, ये बनेगा। अगर वापस से इसकी क्या करवाए, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाए, वाटर की प्रेजेंस में ये कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, वापस से कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये कहाँ अटैक करेगा, यही अटैक करेगा, तो ये हो जाएगा C2H5OH और यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन H और ये हो गया डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड NH माइनस चार्ज। अब यहाँ क्या जाएगा, फिर से चार्ज आ गया, चार्ज आ गया, जैसे न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा तो इसमें कन्वर्ट होगा, ये वापस से C2 जो H प्लस के रूप में निकलेगा वो यहाँ नाइट्रोजन पर आकर अटैक करेगा, C2H5COH यहाँ भी OH और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका NH2। अब अपने को पता ही है एक कार्बन पर कभी भी दो समूह नहीं रह सकते, इनकी लड़ाई हो जाती है ना, इनकी लड़ाई हो जाती है, तो क्या करते हैं, ये यहाँ H है वो आपका यहाँ आ जाएगा और ये क्या बाहर निकल जाएगा और ये H के लिए इससे करेगा, अमोनिया क्या है, गैसेस है, जब जब किसी रिएक्शन के अंदर पहले गैसेस मॉलिक्यूल बाहर निकलने की टेंडेंसी रखते हैं, पहले वो ही निकलेंगे। ओके अगर आपके पास यहाँ कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ होता जो गैसेस फॉर्म में नहीं निकलने की टेंडेंसी रखता है, तब तो क्या होगा, यहाँ से H2 रिमूव होगा, कीटोन बन जाएगा। अगर यहाँ मान लो C2H5 है और यहाँ कार्बन पर OH बन जाता है आपके कोई रिएक्शन में और यहाँ आपका मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में आपके CH, अब यहाँ पे गैस से निकले कि कोई बड़ा ग्रुप लगा दें, कोई R डेस है, डबल डेस कर देती हूँ, कोई बड़ा ग्रुप है जो गैसेस फॉर्म में नहीं होता है, तब क्या होगा, यहाँ से वाटर रिमूव होगा बाहर, जब वाटर रिमूव होगा तो क्या बन जाएगा, ये आपके कीटोन बन जाएगा। ओके कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ R डबल डेस। ओके बट यहाँ क्या है, आपके पास ऐसा ग्रुप है जो गैसेस फॉर्म में निकल जाता है, यानी कि जो पानी पहले बाहर निकलेगा गैसे बाहर निकलेगी ऑफिसली, है ना, तो गैसेस मॉलिक्यूल NH3 बाहर निकल जाएगा, NH3 बाहर निकलेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण हो जाता है। ओके तो ये हो गया आपके C2H5COH प्लस NH3 जो बाहर रिलीज हो जाती है। ये थी अपने पास रिएक्शंस। अगर एल्किल साइनाइड की रिएक्शंस वाटर के प्रेजेंस में करवाई जाती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। अब अगर एमाइड की करवाएं अपन, एमाइड की रिएक्शंस करवाएं वाटर की प्रेजेंस में, तब क्या बनता है देखते हैं। एमाइड क्या होता है, जिसके अंदर कीटोन प्लस NH2 समूह पाए जाते हैं उसे एमाइड ग्रुप कहा जाता है ना, जैसे कीटोन ग्रुप होता है C-OH समूह, उसी तरीके से एमाइड ग्रुप क्या होता है आपका, अगर आपके हाथ C-OH NH2 समूह होता है उसे अपन क्या कहते हैं, एमाइड ग्रुप कहते हैं। ओके या कहते हैं एसिड डेरिवेटिव, इन्हें एसिड डेरिवेटिव भी कहा जाता है और एमाइड भी कहा जाता है। ओके ये हो गया आपका एमाइड। इस एमाइड की रिएक्शन अगर वाटर की प्रेजेंस में करवा दें, सेम थी अभी अभी अपन ने मैकेनिज्म में देखिए किस तरीके से हुआ था, वाटर क्या हुआ, अगर ये यहाँ जा रहा है तो वाटर क्या करेगा, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाएगी, अब किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ लेगा इलेक्ट्रॉन, तो यह आकर अटैक करेगा, तो किस तरीके से हो जाएगा, RCO- और ये OH H प्लस चार्ज हो जाएगा यहाँ और ये NH2 हो जाएगा, यही होगा। अब यहाँ क्या होगा, अगर ऑक्सीजन अगर ये यहाँ आ जाए तो ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा, पहले तो न्यूट्रलाइज करेगा, है ना, तो पहले इसे न्यूट्रलाइज करवाते हैं, कोई स्प्रेड इसे न्यूट्रलाइज करवाएंगे तो क्या बनेगा अपने पास, RCO- चार्ज लगा, ये हो गया OH। ओके और
यहाँ हो गया एनएच टू समूह। अब जो अपने पास एच प्लस निकला था वो क्या करेगा, अकेला तो घूमेगा नहीं, इसे कुछ ना कुछ तो चाहिए लेने के लिए। तो यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ आएगा तो ये द्विगु रूप निकल जाएगा बाहर, एनएच टू माइनस के रूप में निकलेगा जिसमें एच प्लस प्रेजेंट था पहले से, उससे क्रिया करेगा एनएच थ्री बनाएगा, एनएच थ्री इसने बना लिया और ये क्या हो गया आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच फिर से बन गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वापस से अपने पास बन गया। तो अपन ने तीन प्रोसेस देख लिए कि अगर एल्किन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं ओजोन प्लस प्रोक्साइड की प्रेजेंस में तब भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और अगर साइनाइड का यानी कि एल्किल साइनाइड का रिएक्शंस करवाते हैं वाटर की प्रेजेंस में तब भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है, और अगर अमाइड का करवाते हैं वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन तब भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है। अब बात यह आती है अगर इसे आगे हीट दिया गया हो, यहाँ अगर वाटर दिया गया साथ में हीट दी गई है, हीट का मतलब होगा कि आपको ये रिएक्शन होगी, पर यहाँ से अगर हीट करवाओगे तो क्या बन जाएगी, ये आर एच बन जाएगा और सी ओ टू गैस बाहर निकल जाएगी। ओके, जब जब किसी रिएक्शन में अपने को गैसेस मॉलिक्यूल बाहर निकालना वो पहले निकाल देना चाहिए ना, यानी कि निकलेगी निकलेगी अगर हीट कर रहे हो तो, अगर हीट का नहीं दिया गया तो यही आके स्ट्रोक हो जाएगी। अगर हीट करने के लिए बोल रहा है मतलब कि आपके एल्किल समूह बनने वाला है, वहाँ से सी ओ टू रिमूव हो जाती है। ओके, तो ये थी अपने पास विरजन की रिएक्शंस। ओके, तो ये अपने पास अगर यहां तक दिया गया है कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक रिएक्शन करो, अगर आपको हीट दी गई है या एच न्यू दिखा गया है दोनों में से कोई भी हो सकता है, तब अपने को क्या करना है, केसेस मॉलिक्यूल बाहर निकालना है, बाहर निकालने के बाद भी अपने पास एल्किल समूह ही बनने वाला है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इससे और क्या क्या बना सकते हैं।